इसमें कोई प्रकार का भविष्य पता नहीं चलता, इसमें सिर्फ ये पता चलता है हमारे बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है उन स्ट्रेंथ के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियल बताती है, हमारे बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं बताती। मोहित जी नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। आपने आज अपने बच्चे जलज की डीएमआईटी रिपोर्ट काउंसलिंग कराई हम लोगों से, जरूर बताएं कि आपने डीएमआईटी रिपोर्ट क्यों कराई और इससे आपको क्या फायदे मिले और क्या आपको उम्मीदें हैं इस डीएमआईटी रिपोर्ट के बाद अपने बच्चे के फ्यूचर के पर्पज से, और कैसे रिकमेंड करेंगे आप दूसरे बच्चों के लिए, प्लीज। मेरा नाम मोहित सिंह चौहान है, मैं राजस्थान कोटा से बिलोंग करता हूं और मैं बीटेक होल्डर हूं, मैंने डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों किया हुआ है। इसके अलावा मैं भी इन तीन बिजनेस में हूँ, इलेक्ट्रिकल का मेरा ऑटोमेशन का काम है, इसके अलावा मेरा रेस्टोरेंट है एंड मेरा होटल भी है। बच्चे की डीएमआईटी कराने का रीज़न ये होता है कि सर हम पता कर पाएं कि बच्चा आगे जाकर के किस फील्ड में सही रहेगा और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा और किस चीज़ में सही रहेगा जाने के लिए, क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। तो हम लोग सिर्फ जीवन को चलाने के लिए जो कमाई होती थी, जो हम कमाना चाहते हैं, हम सिर्फ कमा रहे हैं कि ठीक है बी बच्चे पालने हैं हमें, इसलिए हम चलते जा रहे हैं, लेकिन हमें दिशा का पता नहीं है कि हम किस दिशा में जाएं। ठीक है, सामने जो आ गया, आज ही नौकरी मिल गई 40,000 की, ठीक है आज जो 60 की मिल गई, ठीक है वहां चले गए, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने घर को पालना है हमें, तो हमें करना ही पड़ रहा है। लेकिन सच बात तो है कि डीएमआईटी से हम हमारे बच्चे का ये पता कर सकते हैं कि उसे किस फील्ड में भेजें, उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं जो जिस दिशा में वो जा पाए, इसलिए हमने डीएमआईटी कराई है। और इससे वाकई काफी अच्छा क्लियरेंस हुआ है हमें कि बच्चा किस फील्ड में, और वाकई ही उसके अंदर वो चीज हमें दिखती भी है कि हाँ ये इस फील्ड में ही सही है, और वही चीजें निकल के आई है डीएमआईटी में। 70-80% एक्चुअलिटी आई है इसके अंदर, हाँ इसमें इसका इंटरेस्ट है, एक्चुअल में इसका यही बिहेवियर है, यही इसकी बॉडी लैंग्वेज है, बिल्कुल सही। स्पोर्ट्स का उसको बहुत शौक है, स्पोर्ट्स में है, म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक में है। इसके अलावा मैंने मैनेजमेंट का सोचा था, किस्मत से मैनेजमेंट भी निकल ही गया है, और वही चीजें निकल के आई है डीएमआईटी में, बिल्कुल सही है। तो देखिए हम लोग आपसे पहले कभी मिले नहीं, कभी बच्चे से मिले नहीं, ऐसा भी नहीं कि हम लोगों ने किसी को देख करके चीजों को, ये बिल्कुल नेचुरल रिपोर्ट है और बच्चे के लिए जो आया वो उसके फिंगरप्रिंट से निकल के आया, यानी कि उसका खुद का इनबॉर्न टैलेंट निकल के आया है। आप लोगों के लिए क्या रिकमेंडेशन करते हो कि आप एज ए पेरेंट आपको कितनी हेल्प करेगी डीएमआईटी रिपोर्ट, और आप दूसरे पेरेंट्स के लिए क्या सलाह देते? बिल्कुल सर, सभी को मेरे हिसाब से अपने बच्चों के लिए डीएमआईटी करवाना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे का फ्यूचर जान पाए कि उन्हें किस फील्ड में भेजना है। बहुत सही चीज सर, पहले नहीं होती थी तो हम लोग इस चीज से अवेयर नहीं थे और ना हम अपना फ्यूचर बना पाए, ठीक है बस चलते जा रहे हैं। और अगर आज ही ऑप्शंस है तो 100% सभी माँ बाप को अपने बच्चों की डीएमआईटी करवानी चाहिए, जरूर करवानी चाहिए, बहुत रीजनेबल प्राइस पर है। अगर एक बच्चे का फ्यूचर रीजनेबल प्राइस पर आपको मिल रहा है तो आपको जरूर करवानी चाहिए। मैडम आपका कोई संदेश अपने दर्शकों के लिए, कोई संदेश देना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को? पेरेंट्स को अगर आपको अपने बच्चे का फ्यूचर पता करना है कि भाई मेरे बच्चे को मुझे किस फील्ड में डालना है, एजुकेशन उसकी अच्छी रहे, उसका फ्यूचर अच्छा बने, तो मेरे हिसाब से डीएमआईटी टेस्ट जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और भी क्लियर करूंगा यहाँ पर कि मैक्सिमम लोग इसको एस्ट्रोलॉजी समझ लेते हैं कि इसमें भविष्य पता चलेगा, इसमें कोई प्रकार का भविष्य पता नहीं चलता, इसमें सिर्फ ये पता चलता है हमारे बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है उन स्ट्रेंथ के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियल बताती है, हमारे बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं बताती। तो इसीलिए आपके बच्चे को भी इसने कई एक तरीके के आपको ऑप्शंस दिए हुए, बच्चे की फैमिली जिस तरीके से सपोर्ट कर पाए उनको इस चीजों में वो ले जा सकते हैं। तो दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, दिस इज अ प्योर तरीके की साइंस है, और हर माँ बाप को भी हमारे ख्याल से इसको करानी चाहिए क्योंकि वो अपने आप को भी जान पाए। थैंक यू सो मच मोहित जी, आप हमारे चैनल पे आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, थैंक यू, थैंक यू सर।